मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। तो फिर डिसीजन देने में उन्होंने देर नहीं किया और ये डिसीजन आ गया। अब डिसीजन ये कहता है, जजमेंट ये है कि गाय का कत्ल नहीं होना चाहिए, और दूसरा जजमेंट का पार्ट है कि भारत की सभी राज्यों की सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी है कि उनके राज्य में गाय का कत्ल नहीं हो, और जजमेंट का तीसरा पार्ट है कि भारत का हर नागरिक जिसको संविधान से अधिकार है नागरिकता का, अब उसकी जवाबदारी है कि वो गोरक्षा करे। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ये पहला जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें कोर्ट ने कहा है कि भारत के नागरिक को गाय बचाने की जिम्मेदारी लेनी है। सरकार को तो लेनी है, नागरिकों को भी लेनी है। माने आप सब इससे बंधे हुए हैं, मैं और आप। अब मैं आपसे कहने आया हूं वो ये कि जजमेंट तो आ गया है, आपको गाय बचानी है, मुझे भी गाय बचानी है। अब ये गाय बचाने का रास्ता क्या है? इसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप अपने राज्य की सरकार पर दबाव डालिए कि जल्दी से गोरक्षा का कानून बनाए और महाराष्ट्र में लागू करें और एक भी कत्ल खाने में गाय ना कटे। ये जिम्मेदारी अब आपकी है। इसके लिए क्या करना है? आपके मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी को हजारों की संख्या में पत्र भेजिए, मेमोरेंडम दीजिए, निवेदन करिए और उनको एक ही बात पूछिए कि आपको भूतपूर्व होना है कि अभूतपूर्व। अगर आप भूतपूर्व होना चाहते हैं तो गोहत्या चालू रखिए, हम आपको भूतपूर्व बना देते हैं अभी थोड़े दिन में। और अगर अभूतपूर्व होना चाहते हैं तो गोरक्षा का कानून पारित कर दीजिए विधानसभा। तो आपके मुख्यमंत्री को कहिए कि देखिए जी, भूतपूर्व होना है तो बहुत अच्छा, अभूतपूर्व होना है तो आपके पास ऑप्शन है, आप जल्दी से ये हस्ताक्षर करा लो राष्ट्रपति के। फिर वो कहेंगे जी सरकार गिरती है, गिर जाने दो, दोबारा चुनाव लड़ो इसी मुद्दे पे, तो पूरी मेजोरिटी से आ जाओगे, चिंता मत करो उसकी। तो आपको ये दबाव बनाना है अपने मुख्यमंत्री पर, और यही दबाव हर राज्य के नागरिकों को बनाना है अपने अपने मुख्यमंत्रियों पर कि सभी राज्यों में गोरक्षा का कानून बने। तो ये तो एक काम हुआ, और इसको आप करेंगे सब मिलकर, ऐसा मेरी अपेक्षा है। आप अगर किसी संस्था में हैं तो संस्था की तरफ से करें, व्यक्तिगत रूप से भी करें, कोई संस्था के लेटर हेड पर हस्ताक्षर के साथ भेजें, 100, 200, 500 हस्ताक्षर के साथ के ये करो। व्यक्तिगत पत्र भी भेजें, ईमेल करें, फैक्स करें, जो कर सकते हैं करें। दूसरा एक काम इससे भी बड़ा करना है, वो ये कि गाय कटती तब है जब वो बाजार में बिकती है, और गाय काटने वाले तो कुरैशी हैं, पालने वाले तो सब हिंदू हैं। तो हम इस देश के हिंदुओं को इस बात के लिए कन्विंस करें कि तुम गाय बेचो मत, कटेगी नहीं। तो कहता है जी गाय इसलिए बेचनी पड़ती है कि वो दूध नहीं देती, वही कुतर्क। तो उसको समझाना है कि भले दूध नहीं देती, मूत्र तो देती है, शेण तो देती है, और उसके शेण और मूत्र से लाखों रुपए की आमदनी है, तुम क्यों परेशान हो दूध के लिए। गाय तो मुख्य रूप से शेण और मूत्र के लिए पालो, दूध तो बोनस है, असली तो शेण और मूत्र है जो लाखों रुपए की इनकम दे रहा है। और हर शेतकरी को यह समझाना है कि तुम तुम्हारे गांव की गाय का शेण इकट्ठा करो, एक गोबर गैस प्लांट बनाओ, उसमें से गैस निकालो, गैस को सिलेंडर में भरो, घर में इस्तेमाल करो, तुम्हारे ट्रैक्टर में लगाओ, तुम्हारी गाड़ियों में लगाओ, तुम्हारी अर्थव्यवस्था तुम्हारे तरीके से चलाओ, डीजल खरीदने की जरूरत नहीं। और सब गाँव में ये हो सकता है, असंभव इसमें कुछ नहीं, बस उनको बताने की जरूरत है। और दूसरा, शेतकरी बांधवों को यह बताने की जरूरत है कि यूरिया डीएपी से जो तुम खेती कर रहे हो ये तुम्हें आत्महत्या में लेके जा रही है। तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यूरिया डीएपी बंद करके शेण खत वापरना शुरू कर दो। मैंने मेरी जितनी शक्ति है और क्षमता है उसके अनुसार ये प्रचार करना शुरू किया है, और इसका अच्छा परिणाम भी है। पिछले करीब 1.5-2 वर्षों में 50,000 से ज्यादा शेतकरी बांधवों को मैंने ये समझाया, उसका परिणाम यह है कि उनमें से 5,000 शेतकरी बांधवों ने शेण खत वापरना शुरू किया है, और वो कहते हैं कि हम पहले से ज्यादा सुखी हैं।
क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा खर्चा 90% कम हो गया और उत्पन्न 10-15% बढ़ गया है, तो दोनों ही स्तर पर उनको लाभ है। अब ये बात तेजी से गांव-गांव फैलाने की जरूरत है, तो फिर गुणगान शुरू। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।